बीते दिनी लुधियाना च 28 साल बच्ची दिलरोज के कतल मामले च परिवारिक मैंबरों नाल अफसोस करन पहुंची आम आदमी पार्टी नेता तेजी संधु ने जिथे अफसोस जाहिर किया तो उथे दोषियों नूं सख्त तो सख्त कार्रवाई करन दी भी गल कही। उन्हां कहा कि विश्वास प्यार अते भरोसे का कतल होया। उथे ही तेजी संधु ने कहा कि इस औरत नूं घट तो घट फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए है ता जो अगे तो ऐदा दा अपराध करन वाला बंदा अपराध करन लई 100 वार सोचे। मम्मी नू कहंदी मम्मा पापा आ गए हुण मैं हाइड हो जा। लुकी हुंदी सी कदे पर्दे पिछे लुक जाणा कद कमरे पिछे कद किते मैं आगे देखना दिलों चा किते मेरा दिलों चा किते मैं लभना मैं जप्पी पा के हूँ मैं आगे किनू देखा करूँ किनू लभ्या करूँगा। परिवार नाल दुख सांझा करना साडा बणदा है। एक असी किसी पार्टी वालों तो बाद की गल आ पर असी इंसानियत के नाते पहला आए हाँ। जदों ये वीडियो मेरे सामने आई हिरदा बलूंदरिया गया। इदा लग्या कि की कसूर सी इस माँ का कि इन्हें पड़ोसन पर विश्वास किया ज एक पड़ोस से विश्वास किया जिन्हों असी पड़ोसी कहने रिश्तेदार तो बद कहने और तुसी आप ही देख लो दो घर ने नाल नाल एक सांझी कंध है तो एक विश्वास का कतल होया एक प्यार का कतल होया एक इंसानियत का कतल होया। सो इस बजुर्ग का की कसूर है जिन्हें अपनी धी समझे सी इस औरत नूं ते उन्होंने इन्हों की गोद ही खाली कर दी ते बड़ा दुख है। और इस टाइम पर साडे प्रशासन ते उंगली भी बनती है कि जे अज सारे एरिया दे विच अगर सुरक्षा नूं लैके सीसीटीवी कैमरे होण तां क्रिमिनल इमीजिएट फड़िया जावे। सो क्राइम करन तो हुण सजावां भी इस तरह दियां हो जाणियां चाहीदियां जे एक क्राइम करदा है तां उहनूं अजिही सज़ा मिले ते दूसरा क्रिमिनल 100 वार सोचे क्राइम करन लग्गिया। जिस तरह यह औरत है एक परिवार दे नाल 25-30 साल तो इत्थे रह रही है खुद भी एक माँ सीगी और इस बच्चे नूं भूआ बन के प्यार करदी रही है गवांढी हो के और एक इहो परिवार सी जिहड़ा उहदे हक की गल करदा सी। मनशा जी परिवार तो खुद कह रहा सानूं उस औरत नाल एक बार मिला दो असीं पुछीए तां सही तेरा असीं विगाड़ किहड़े वेले दित्ता कदे सुपने च ही तैनूं कुछ गलत तां नहीं कहता जो साडे नाल तूं इस तरह का किया। उस बच्ची की वैर हो सकती है जी 25 साल की बच्ची की किसी नाल किस तरह का कोई विरोध हो सकता उस बच्ची का किसी के नाल तो खुद मासूम है रब वसदा उहदे विच। हुण मैनूं खुद नहीं समझ आती कि इस परिवार को धरवासा देण आई हाँ मैनूं समझ नहीं आती मैं की धरवासा देवां अपने उस प्यो नूं की कहां इहनूं कि पापा तेरे नाल सही होया जां गलत होया जां मैं की करां तेरे लिए। मैं तो यही गुजारिश करूँगी तुहाडे चैनल के माध्यम नाल मीडिया तीसरी अख हुंदा है कि साडी पंजाब गवर्नमेंट दी अखां खोलो साडी सुरक्षा दे बारे सोचण और सजावां इहो जिहियां मुकरर करन। क्रिमिनल क्रिमिनल हुंदा है ना औरत हुंदी है ना मर्द हुंदा है। जे औरत ने अजिही घटना नूं अंजाम दित्ता है तां उहनूं फांसी बणदी है। वैसे साडे इंडिया विच औरत नूं फांसी छे छेती लगदी नहीं पर जे है तो मैं कहनी हाँ पहल के आधार पर इस औरत को फांसी देनी चाहिए आ नहीं तो समाज के हवाले कर दो फिर अपना फैसला ये परिवार अपने आप कर लेगा। पर मैं गुजारिश करती हाँ अपने कानून अगे अपने कोर्ट अगे अपन सरकार अगे चन्नी साहब अगे कि इस परिवार को इंसाफ दवाओ तो गुजारिश करती हाँ कि चैनल में कि टैग जरूर करो कि चन्नी साहब इस बच्चे के भोग से पहुँचन तो इस परिवार को इंसाफ दवाओं। बस यही गुजारिश करती हाँ मैं दिलों खड़ी हाँ। तो मैं लुधियाना तो कैमरामैन गगन के नाल राजेश मेहरा की रिपोर्ट सिटी होम न्यूज़।